हमारे प्रियात्मन, ओम स्वस्ति अस्तु। आपका जीवन सुखमय रहे, अच्छा रहे, आनंदित रहे, ऐसी हमारी कामना है। आप में से ही बहुत सारे साथी अपनी बहुत सारी जिज्ञासाओं की बाबत हमसे यदा कदा बात करते रहते हैं, अपने संदेश हम तक भेजते हैं। ऐसा ही एक संदेश हमें प्राप्त हुआ है, अनु सिंह ने लिखा है। ये लिखती हैं, मुझे लोगों से मिलना जुलना या बाहर जाना पसंद नहीं है, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। देखिए, मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सोशल एनिमल के रूप में इसकी बहुत सारी व्याख्याएं बहुत सारी चीज़ों में की जाती है, रिसर्च हम करते हैं या काम करते हैं। तो हमें समाज की मुख्य धारा से कट करके, हमें अपने जीवन की मुख्य धाराओं से कट करके, अपने समाज की बाकी ऐसी चीज़ों से कट करके जो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं, भी हमारे जीवन कभी परिपूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकता। हमारे जीवन में पूरी तरह से संतोष और शांति का उदय नहीं हो सकता, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जीवन बहुत सारे इमोशंस के इर्द गिर्द घूमता है, बहुत सारे संवेग, बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी हमारी अपेक्षाएं दूसरे लोगों से और दूसरे लोगों की अपेक्षाएं हमसे, हमारी बहुत सारी इच्छाएं जो बहुत सारे विषयों पर केंद्रित हैं, बहुत सारे प्रसंगों पर केंद्रित हैं, और बहुत सारे प्रसंग और विषय जो हमारे व्यक्तित्व और हमारे सोच और हमारे जीवन से कहीं ना कहीं जुड़े हैं। इन सब का परस्पर एक दूसरे के साथ गहरा संबंध है, इन सब का परस्पर एक दूसरे से गहरा नाता है। तो जब हम मुख्य धारा से पृथक होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों से भी पृथक हो जाते हैं, और बहुत लंबे समय तक अगर हम उसी चीज़ को अपने जीवन का गंगा बना लें, जिस तरह के परिवेश में आप रहने लगते हैं, जिस तरह के वातावरण में, एटमॉस्फेयर में आप रहने लगते हैं, उसी को अगर आप अपनी नियति मान लें, अपना भाग्य मान लें, अपनी किस्मत मान लें, अपने लिए मान लें कि यही परिस्थितियाँ ऐसी हैं जिनमें आपको हमेशा सदा सर्वदा रहना है, तो फिर उसमें आपको कम्फर्ट होने लगता है, उसको आपको अच्छा लगने लगता है। द्वितीय विश्व युद्ध के समय फ्रांस में बेस्तले का किला था, उस किले को वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने आज़ाद कराया, और आज़ाद कराने के बाद उनका बड़े लंबे समय से एक संघर्ष चल रहा था कि जो कैदी इस किले में अंदर बंद हैं उनको हम मुख्य धारा में ला सकें, जीवन के मुख्य स्रोत के साथ जोड़ सकें। तो उन हज़ारों कैदियों को जब उससे मुक्त कराया गया स्वतंत्रता के आंदोलनकारियों ने, और उनको बाहर निकाला गया और बाहर लाया गया, तो वो लोग बड़े नाराज हुए इस बात से, और सिर्फ नाराज ही नहीं हुए, वो सारे के सारे किले की दीवार, जेल की जो दीवार थी, उस जेल की दीवार के बाहर लाइन लगा करके खड़े हो गए। हज़ारों की संख्या में कैदी थे वो, और उन्होंने कहा कि आपने हमारी ये पैरों से बेड़ियाँ निकाल दी, हमारे हाथों से हथकड़ियाँ खोल दी, हमारे शरीरों से जंजीरें मुक्त कर दी, तो अब हमें हमारा शरीर बहुत हल्का हल्का प्रतीत हो रहा है, हमें अजीब सा फील हो रहा है। उसमें हमें बड़ा आनंद आता था, चलते थे तो जंजीरें बजती थी, लेटते थे तो उसमें बड़ा सुकून हमें प्राप्त होता था। नकारात्मकता भी बड़े लंबे समय तक अगर जीवन का अंग हो जाए तो उसमें ही हमें आनंद आने लगता है। खराब चीज़ें, खराब परिवेश भी हमें अच्छे लगने लगता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को बहुत निकट से जानता हूँ जिन्हें जीवन में बड़े लंबे समय तक कलह और कलेश में रहने का एक अभ्यास हो गया है, या रहने की आदत हो गई है, या रहने की व्यवस्था हो गई है, और फिर उसके बाद जब हम उनको आनंद के स्रोत में लाना चाहते हैं तो वो उसमें एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो वो यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। उन कैदियों ने बाकायदा एक आंदोलन टाइप का किया, और उन्होंने कहा कि हमें आप वापस जेल में डालिए, हमें ये सूरज की तेज रोशनी हमारी आंखों को चुभती है, ये हवाएं हमारे शरीर को लग रही हैं, और इन जंजीरों से हमारे शरीर में घाव बने हैं, उन पर ये धूप और हवा हमें परेशान कर रही है, ये उड़ने वाली मिट्टी हमें दुख दे रही है, और हम बाहर अब नहीं जा सकते। बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैदी उनमें ऐसे थे जो आजीवन कारावास भोग रहे थे, बहुत सारे कैदी ऐसे थे जिन्हें इस तरह का दंड दिया गया था कि जब तक वो जिंदा हैं तो जिंदा रहें, वेल्डिंग कर दी गई थी उनके पैरों में जंजीरें, और जब वो मरने के कगार पर होंगे तो जंजीरें वो वेल्डिंग काट करके उनको बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर उनकी अंत्येष्टि कर दी जाएगी। तो उन्होंने आंदोलन किया और पुनः उनको वापस जेल में जब तक नहीं डाला गया तब तक वो शांति उनको नहीं प्राप्त हुई। वो वापस उनको, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, उन्हें वापस जेल में डाला गया, फिर उन्हें लगा कि अब हमें अच्छा लग रहा है, हमें बड़ा सुकून है, अब हम बहुत आनंद में हैं। तो कई बार बहुत सारी परिस्थितियाँ जो कई बार विवशतावश होती हैं, मजबूरी में या किसी न किसी तरह की परेशानी के चलते, या सरकमचांसेस ऐसे हो जाते हैं लाइफ में कि उसमें हमें उस तरह के निर्णय को स्वीकार करना पड़ता है,
फिर लंबे समय तक जब उस निर्णय के साथ आप एकाकार हो जाते हैं तो वही आपको अच्छा लगने लगता है, उसी के साथ आप जुड़ जाते हैं। लेकिन इससे जीवन में कुछ चीज़ों की रिक्तता सदा सर्वदा बनी रहती है। एक जैसे परिवेश में रहने वाले जो लोग हैं बड़े लंबे समय तक, उनके जीवन में वो जो बिखराव है, उनकी सोच में जो वो एक अंतर है, उनके व्यवहार में जो एक फर्क है, वो आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगा। तो हमें जीवन की सब मुख्य धाराओं में रहना चाहिए, हमें अच्छे वस्त्र भी पहनने चाहिए, हमें अच्छा भोजन भी करना चाहिए, हमें अच्छे स्थानों पर घूमने भी जाना चाहिए, हमें अपने कुछ मित्र और साथी संगी भी बनाने चाहिए और मित्रों और साथी संगियों से अपने मन की बात, अपने चीज़ों की बातें शेयर करनी चाहिए। अब हमने धीरे 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 इन चीज़ों से पृथक होते जा रहे हैं, हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो गया है काम का, चीज़ों का, और जीवन को जीना जैसे एक बोझ हो गया है। लेकिन जीवन को जीना एक बोझ नहीं है, जीवन एक आनंद है और जीवन को आनंद की धारा में जिए। जीवन जीने की कला है और जीवन प्रतिपल आनंद का उत्सव है। हम कहते हैं ना, जो गुरु गोरखनाथ का वचन है कि आनंद आमार जाति उत्सव आमार गोत्र, तो ये जो आपकी जाति है वो आनंद होनी चाहिए और उत्सव धर्मिता आपका गोत्र होना चाहिए। आप प्रतिपल, आप आनंद धर्मा हैं, आप परम आनंद के साक्षी हैं। आप मनुष्य होने के नाते उन संवेगों के साथ एकाकार होते हैं जो जीवन की प्रफुल्लता को पूर्ण करते हैं, जो जीवन के सभी वर्तुलों को पूर्ण करते हैं। तो किसी भी चीज़ से कट करके रहने से बहुत लंबे समय तक वो विक्षेप आपके व्यक्तित्व पर फिर छप जाता है और फिर आप कहीं भी सहज अनुभव नहीं करते। तो बहुत सारे, एक गलती को दोबारा मत कीजिए, लेकिन नई नई गलतियाँ रोज़ाना कीजिए। हर बार जितनी आप गलतियाँ करेंगे उनसे को नई बातें, नई चीज़ें, नई जानकारियाँ और नए प्रकार के आपके अनुभव आपके जीवन को और नर्चर करने का काम करेंगे, आपके जीवन को और अच्छा करने का काम करेंगे। तो आप, कभी कभी हमारे ऐसे कटु अनुभव होते हैं या हमने कोई काम किया, कहते हैं ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो कई बार हमारे, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी ही चीज़ें खराब ही हों। इस संसार में ना तो सब कुछ खराब है और ना ही सब कुछ अच्छा है। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत सारे लोगों से व्यवहार करते करते हमने ऐसा मान के चलें कि हम 99 लोग हमें खराब टकर गए, लेकिन जैसे ही 100वां व्यक्ति ठीक आने वाला था हम उसको भी खराब मान करके अपनी एक अवधारणा को विकसित कर लेते हैं। तो ऐसा मान कर चलें, और ये ज़िंदगी अनुभवों की किताब है, इसमें नए नए पन्ने रोज़ बढ़ते हैं, नए नए अक्षर रोज़ लिखे जाते हैं, उनको पूरे सत्कार के साथ स्वीकार करें और जीवन की सभी मुख्य धाराओं को अपने साथ जोड़ें, आपका जीवन उससे बेहतर होगा। खुश रहिए, आनंदित रहिए, आपका जीवन उल्लासपूर्ण हो, आनंदपूर्ण हो, शांतिपूर्ण हो, प्रेमपूर्ण हो और ईश्वरपूर्ण हो। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु।